नमस्कार। आज की कक्षा में जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो आज की कक्षा में हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि यह अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और यह कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहले हम इस शब्द पर आते हैं, गुणनखंडन। और इस शब्द को दो भाग में हम बांटते हैं, एक है खंडन और दूसरा गुणन। तो खंडन का जो अर्थ होता है, आप जानते हैं, खंड खंड करना, टुकड़े टुकड़े करना। अब इस टुकड़े को किस तरह से अलग अलग रहेंगे वो टुकड़े, तो गुणन के द्वारा। जो टुकड़े होंगे वो गुणन के चिन्ह के द्वारा अलग अलग रहेंगे, ठीक है। ये तो हो गया गुणन खंडन। अब एक और शब्द है अभाज्य। तो ये जो गुणन खंडन होगा उसमें जो संख्याएं रहेंगी, गुणन खंडन में जो संख्याएं रहेंगी वो सभी अभाज्य होनी चाहिए। और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, इसे एक अलग वीडियो में हमने पहले ही विस्तार से बताया है। अभी सिर्फ उसके कुछ उदाहरणों को मैं प्रस्तुत करूंगा। अब आप देखिए, यहां हमने उसके उदाहरण, शुरुआती कुछ उदाहरण लिए है ना। तो ये है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और ये अनंत तक चलेगा। तो यहां आप गौर करें कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो है 2, और 2 के बाद आता है 3। ये एक क्रम से लिखी गई है। तो चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं और उदाहरण से हम इस अभाज्य गुणनखंडन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ये देखिए, अगला स्लाइड में हमने ये संख्या लिया है 30। अब 30 का हम अभाज्य गुणनखंडन कर रहे हैं। तो जब भी हम अभाज्य गुणनखंडन करेंगे तो अभाज्य संख्याओं को एक क्रम से लेंगे। कहने का यह अर्थ है, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है उससे हम भाग देने की कोशिश करेंगे, है ना। तो यहां सबसे छोटी हमारी देखिए कौन सी थी, 2। तो 30 में अब हम 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग लग जा रहा है, ये 15 आ गया। अब पुनः हम देखते हैं कि क्या 2 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब 2 के बाद अगला जो अभाज्य है वो 3 है, तो फिर हम 3 से भाग देते हैं, तो ये 5 बार में ये भाग लग जाता है। अब 5 को हम और खंड नहीं कर सकते हैं क्योंकि खुद 5 एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा 30 का जो अभाज्य गुणनखंडन हुआ या अभाज्य गुणनखंड हुआ वो हो गया 2 × 3 × 5। अब अगली संख्या जो हमने ली है वो है 45। अब 45 में हम शुरुआत कहां से कोशिश करेंगे, 2 से, जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। लेकिन यहां गौर करें, 2 से इसमें भाग नहीं लग रहा है, है ना। तो अब हम अगली अभाज्य संख्या देखेंगे और उससे कोशिश करेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या है 3। तो 3 से जब हम 45 में भाग देते हैं तो ये 15 आता है। अब 15 में, अब तो 2 किसकी तो बात खत्म हो गई, 2 से तो हुई नहीं। अब पुनः हम 3 से कोशिश करते हैं तो 3 से फिर भाग लग जाता है, 5 बार में लग गया। तो जो 5 आया तो ये जो अभाज्य संख्या है, अब इसका और गुणनखंडन हम नहीं कर सकते हैं। तो 45 का गुणनखंडन या गुणनखंड हमारा हो गया 3 × 3 × 5। अब एक अगली संख्या ले रहे हैं 16। तो देखिए, इसमें 2 से भाग दे रहे हैं, 2 से भाग लग जाता है, 8 आया। 2 से 16 में भाग दिए तो 8 आया। अब देख रहे हैं 8 में फिर से 2 से लग जा रहा है, तो फिर 2 से देंगे, 4 आया। 4 में फिर 2 से लग करते हैं तो फिर 2 आया। अब 2 का और गुणनखंडन नहीं हो सकता है। तो यह हमारा 16 का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडन कंप्लीट हो चुका है।
और ये हुआ है 2 × 2 × 2 × 2। अब एक अगली संख्या ले रहे हैं 60। तो 60 को अब हम देखते हैं किससे शुरुआत, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं याद करें 2 से, तो 2 से कर रहे हैं तो हो गया, ये तो हो गया, 2 से 60 में भाग देते हैं 30 बार हो गया। अब फिर देखते हैं क्या 2 से जा रहा है, हाँ 2 से जा रहा है ये 15 बार। अब ये 15 में 2 से भाग नहीं लग सकता है, तो अगली जो अभाज्य संख्या है वो हम लेते हैं 3, और 3 से भाग देते हैं तो ये 5 आता है। ठीक है, अब 5 का और गुणनखंडन नहीं हो सकता है, तो ये 60 का गुणन अभाज्य गुणनखंड हमने कंप्लीट कर लिया, और वो आया 2 × 2 × 3 × 5। इसी तरह से हम अभाज्य गुणनखंडन करते हैं। तो आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे, लेकिन हम एक और उदाहरण ले रहे हैं, और वो है 210 का। तो 210 का अब हम अभाज्य गुणनखंडन करने जा रहे हैं, तो इसको सबसे पहले जो हम भाग दे रहे हैं वो 2 से, और 2 से चला जाएगा ये, है ना। अब एक अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विभाज्यता के क्या नियम है, कैसे मैं देखकर बता दे रहा हूं कि ये 2 से चला जाएगा और ये 3 से चला जाएगा। ठीक है, तो ये एक अगली वीडियो में मैं इसको विस्तार से बताऊंगा, अभी तो ये जान ले कि ये 2 से इसमें भाग लग जा रहा है। तो 2 से भाग दे रहे हैं तो 2 × 1 = 2, और उसके बाद हो जा रहा है 0, और ये 5। अब देखेंगे कि 2 से भाग लग रहा है, नहीं अब 2 से भाग नहीं लगेगा, अब इसमें 3 से भाग लगेगा। ठीक है, तो 3 से भाग देते हैं, 3 × 3 = 9, 1 + 15 = 15, 3 × 5 = 15। अब इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा, है ना। तो अगली जो अभाज्य संख्या है 3 के बाद वो 5 से है, और 5 से हम कोशिश करते हैं तो 5 से भाग लग जाएगा, 5 × 7 = 35। तो 210 का हमारा अभाज्य गुणनखंडन हो गया, और ये हुआ 210 = 2 × 3 × 5 × 7, क्योंकि ये 7 का अब और गुणनखंडन संभव नहीं है, क्योंकि 7 खुद एक अभाज्य संख्या है। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है और ये किस तरह से किया जाता है। एक बार फिर से मैं एक महत्वपूर्ण बात फिर से दोहरा देता हूं कि जब भी हम गुणनखंडन करते हैं तो जो भाग देने का जो हमारा क्रम होगा, जो अभाज्य संख्याएं लेंगे, उसका क्रम यही होगा। 2 से पहले करेंगे, नहीं होगा तो 3 से करेंगे, 3 से भी नहीं हुआ तो 5 से, उसके बाद 7 से, 7 से भी नहीं हुआ तो 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, इसी क्रम में हम चलते चले जाएंगे, है ना। कभी भाज्य संख्या से भाग देने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि भाज्य संख्या से अगर हम भाग देंगे तो हमारा ये अभाज्य गुणनखंडन नहीं होगा। ठीक है, तो आशा है कि आप इस टॉपिक को, यानी अभाज्य गुणनखंडन को, अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।